ब्रज पब्लिक स्कूल NSS इकाई और बनवासी कल्याण आश्रम के सहयोग से प्राचीन मंदिर महादेव बाई का बाग में साफ सफाई की गई। NSS के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता का संदेश देते हुए बाई का बाग प्रांगण की साफ सफाई की। ब्रज पब्लिक स्कूल ट्रांसजमुना आगरा ने इस बाग को पिछले साल गोद लेकर बाग के संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। पर्यावरण प्रेम और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के उद्देश्य से ब्रज पब्लिक स्कूल और बनवासी कल्याण आश्रम ने बाई का बाग में फलदार वृक्ष लगाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की सीख दी। विद्यालय की NSS यूनिट इकाई के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। बच्चे NSS के द्वारा वृक्षारोपण करके इस पृथ्वी को हरा भरा करना चाहते हैं और आने वाले समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर मेरा पर्यावरण शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध बनेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है। इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। यहाँ लगभग 50-60 पौधे इस बाई का बाग बगीची है उसमें बच्चों द्वारा लगाए जा रहे हैं और इस बगीची को विद्यालय ने गोद भी लिया हुआ है। इसकी रख रखाव करने के लिए साफ सफाई या पेड़ों की रक्षा करना विद्यालय समय समय पर NSS के बच्चे यहाँ आते हैं प्रोग्राम देते हैं। बनवासी कल्याण आश्रम के संयोजक अजय अवस्थी हर साल 1000 से 2000 पौधारोपण कर पर्यावरण के घटते स्तर को संतुलित करने में लगे हुए हैं। मेरा नाम अजय कुमार अवस्थी है। हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं। वनवासी कल्याण आश्रम जो देश भर में जनजाति बच्चियां हैं उनके लिए उत्थान के लिए काम करता है। तो हर साल हम अपने आगरा महानगर में वृक्षारोपण करते हैं जो उसमें नीम पीपल पाखड़ बरगद जो पर्यावरण प्रेमी वृक्ष हैं वो लगाते हैं। तो उस टारगेट ऐसा है कि जहाँ से भी जितना भी होता है, टारगेट कोई फिक्स नहीं है, कभी 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। ये लोगों के ऊपर है कि भाई जैसे अभी हमारे ब्रज पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी हैं राम अवतार यादव जी, उन्होंने कहा कि हम एक NSS और मिलकर एक पर्यावरण के लिए हम पौधे लगाने चाहते हैं। तो हमने वनवासी कल्याण आश्रम ने कहा हम अपने पौधे वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से दे देंगे। आज इस वक्त 25 पौधे हैं इस वक्त, उसमें अपने पीपल बरगद आम शहतूत नीम अमरूद जामुन इस तरह के फलदार भी हैं और वैसे भी पौधे हैं। NSS के छात्र छात्राओं ने प्राचीन मंदिर महादेव जी बाई का बाग में खूब पसीना बहाकर साफ सफाई की। साथ ही विद्यालय का स्टाफ इस नेक काम में बच्चों के सहयोग में लगा रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पौधारोपण की जानकारी दी। आपकी और बच्चों की नहीं, जैसा कि सर ने भी कहा है, ये बाई की बगीची हम लोगों ने गोद ली हुई है। विद्यालय द्वारा NSS इकाई स्काउट गाइड इकाई द्वारा इसका रखरखाव रखा जाता है और इसके माध्यम से वृक्षारोपण के माध्यम से हम बच्चों के माध्यम से ये समाज को भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम वातावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति का ये उद्देश्य है, कर्तव्य भी है कि वो कम से कम अपनी लाइफ में 2-4 पौधे तो ज़रूर लगाएँ और अगर वो पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा वातावरण शुद्ध होगा, क्योंकि आए दिन प्रदूषण के माध्यम से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और उसको अगर बचाना है तो निश्चित रूप से प्लांटेशन करना अनिवार्य है। ब्रज पब्लिक स्कूल NSS इकाई के छात्र छात्राओं ने पौधारोपण में सहयोग कर समाज सेवा राष्ट्र सेवा के साथ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया। तुम्हारा? मेरा नाम अंकित उपाध्याय है। आज आपने जो पेड़ पौधे लगाए हैं, क्या सीखा आज आपने पेड़ पौधे लगाकर? ये सीखा क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से एक तो ऑक्सीजन ही मिल रही है हम लोगों को और इससे लोगों की लाइफ भी ज़्यादातर बची रहती है और यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर स्काउट गाइड है NSS है, सब लोग मिलकर एक साथ काम करें, इससे एकता बनी रहेगी। अपने सहयोगियों को क्या कहना चाहेंगे पौधों के बारे में? यहाँ पर एक तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सभी लोगों ने, और कुछ हमारे कैप्टन बनाए गए थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया गया। मेरा नाम शालिनी चंसौलिया है। किस स्कूल में पढ़ते हो? ब्रज पब्लिक इंटर कॉलेज। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने किया? आज हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे सफाई वगैरह पर। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा और यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई रहेगी और हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फैल रही हैं। अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे तो ये सब चीज़ों से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरा नाम प्रगति पुरोहित है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम ब्रज पब्लिक स्कूल है।
हमने आज वृक्षारोपण किया है, इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में जो मोदी ने अगर सफाई अभियान शुरू किया है तो हमें भी उसमें कमी नहीं दिखानी चाहिए। हम भी सब लोग मिलकर अगर ये सफाई करेंगे तो इससे हमारा देश जल्द से जल्द तरक्की करेगा और हमारे देश की जो सारी बुराइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, ये भी समाप्त हो पाएंगी। हम इससे बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग मिलकर एक साथ वृक्षारोपण का संदेश लें अपने साथ और वृक्षारोपण करें, जिससे हमारे पर्यावरण को और भी तरक्की पर ले जा सके और अपने देश का नाम रोशन करें। बढ़ते वायु प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण को बचाए रखना आवश्यक हो गया है। स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के उद्देश्य से जिम्मेदार संस्थाएं पौधारोपण कर समाज को जागरूक कर रही हैं। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।